देश के सबसे बड़े सियासी रन के नतीजे 7 चरणों के चुनाव के बाद ईवीएम में कैद हो चुके हैं। ये नतीजे 23 मई को जनता के सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले टुडे बिहार न्यूज ने एग्जिट पोल के जरिए जानने की कोशिश की है कि नतीजों का रुख क्या रहेगा। पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को 45, बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इस लिहाज से दिल्ली की सत्ता हासिल करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसमें कोई शक नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस राज्य ने देश को 10 प्रधानमंत्री दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दूसरी बार यूपी के बनारस से चुनावी मैदान में हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। बीजेपी अकेले दम पर राज्य में 71 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए में शामिल अपना दल के खाते में 2 सीट आई थी। अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह ने प्रतापगढ़ से चुनाव जीता था और मिर्जापुर से अनुप्रिया सिंह पटेल ने जीत दर्ज की थी। वहीं सूबे की 5 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। फिरोजाबाद से अक्षय यादव और मैनपुरी के साथ दूसरी की सीट आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। वहीं बदायूं से धर्मेंद्र यादव ने चुनाव जीता था। मुलायम परिवार की बहू डिंपल यादव ने कन्नौज से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। रायबरेली से यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव जीती थी, तो वहीं अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। राज्य में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी 42.63% वोट पाने में कामयाब हुई थी। वहीं कांग्रेस बीएसपी 19.77% वोट लेकर 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। समाजवादी पार्टी भी 22.35% वोट लेकर सिर्फ 5 सीटें जीत सकी थी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 7.53% वोट प्राप्त किए थे, जबकि राष्ट्रीय लोक दल को 0.86% वोट मिले थे। अब तो देखने वाली बात यह होगी कि 23 मई को यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है और बसपा और सपा के गठबंधन को कितने सीटें मिलती है। 23 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजा सबसे पहले देखने के लिए टुडे बिहार न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।